जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ देवी शक्ति प्राप्त होने के 4 संकेत और 2 अनुभव जो पूजा या मंत्र जाप करते समय आपके साथ होने लगेंगे। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी अपने घर में देवी माँ की पूजा करते हैं या फिर उसी के साथ साथ किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे आज हम आपको देवता के बारे में नहीं बताएंगे, केवल देवी शक्ति के ही आपको संकेत बताए जाएंगे और अनुभव बताए जाएंगे। और ये अनुभव और संकेत केवल उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके साथ माँ काली की शक्ति होती है। चाहे काली माँ की पूजा करो, चाहे किसी भी देवी की करो, तो जिसके साथ देवी शक्ति होगी यानी देवी शक्ति जिसको प्राप्त होगी, तो उसी व्यक्ति को 4 संकेत दिखाई जाएंगे और उसी के साथ 2 अनुभव दिखते हैं। और ये आपके साथ तब होगा जब पूजा कर रहे हो अपने घर के मंदिर में, या फिर बाहर माता के मंदिर में गए हो दर्शन करने, वहाँ पूजा कर रहे हो, या अपने घर में बैठ के माता के मंत्र का जाप कर रहे हो, तब आपके साथ ये सब चीज़ें होने लगेगी। तो देवी शक्ति प्राप्त होने के आपको 4 संकेत बताऊंगी, 2 अनुभव बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जितने भी महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी भक्तों के लिए है 4 संकेत 2 अनुभव। देखिए देवी शक्ति जो होती है सबसे बड़ी मानी जाती है, भगवान ने भी सबसे बड़ा देवी शक्ति को ही कहा है। सबसे बड़ी देवी शक्ति होती है, चाहे देवी शक्ति दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, वैष्णो माँ हो, कोई भी हो, सबसे बड़ी देवी शक्ति ही मानी जाती है। अभी देवी भक्त इतने लोग हैं कि करोड़ों से भी ज़्यादा। अब देवी भक्त जब अपने घर में देवी माँ का पूजन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उनको रात्रि सोते समय कुछ संकेत दिखाई जाते हैं। जब उनको देवी शक्ति प्राप्त हो जाती है तब उनको 4 संकेत सपने के माध्यम में दिखने शुरू होते हैं। अब जितने भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी भक्तों को भी अगर 4 संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये 2 अनुभव उनके साथ होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, चाहे फिर काली माँ हो, कोई भी हो, तो वो देवी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, तभी आपको ये संकेत दिखाए जाएंगे। अब मैं आपको पहला संकेत बता रही हूँ जो आपको सपने के माध्यम में दिखेगा। सपने के माध्यम में कोई भी कन्या आपको आपके घर में आती हुई दिखाई दे जाए, या आपके साथ खेलती हुई, सोती हुई या खाना खाती हुई दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपको देवी शक्ति प्राप्त हो चुकी है और वो देवी माता ही है जो कन्या का रूप धारण करके आपको इस तरह का दृश्य दिखा रही है। दूसरा संकेत, सपने में अगर आपको शमशान दिखने लगे तो समझ लीजिए कि देवी शक्ति आपको मिल चुकी है। सपने के माध्यम में शमशान हर किसी को नहीं दिखता है, दिखता है तो उसी को दिखता है जो भक्ति पूजा पाठ करता है। और कुछ लोग इसका गलत सोच लेते हैं कि हमें शमशान दिख रहा है, कोई बुरी शक्ति तो नहीं हमारे साथ लग गई। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जब देवी शक्ति किसी को प्राप्त होती है तो उसको भी शमशान दिखना लगता है सपने के माध्यम में। और तीसरा संकेत आपको सपने में ये दिखाई देगा, जैसे आपके घर में या कहीं भी आपको आपके साथ कोई काली औरत, काले रंग की औरत दिखाई देगी। ज़्यादातर आपको काली कन्या, काली औरत या काली कोई लड़की इस तरीके से आपको सपने में दिखाई दे करेगी, चाहे आपको आपके घर में दिखे या फिर आपको घर से बाहर कहीं भी दिख जाए, तो समझ लीजिए कि देवी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है और वो देवी ही है जो आपको इस तरह के दृश्य दिखाएगी। चौथा संकेत, सपने के माध्यम में कभी भी आपको आपके घर के मंदिर की जलती हुई ज्योत दिखाई दे जाए, जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं वही मंदिर आपको सपने में दिख जाए और उसके अंदर ज्योत जल रही है और माता की मूर्ति, फोटो जो भी आपने विराजमान करी है वो भी आपको सामने दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए आपको देवी शक्ति मिल चुकी है और देवी शक्ति के यही संकेत होते हैं प्राप्त होने के। 2 अनुभव की बात करेंगे, जब आप पूजा कर रहे हो मंदिर में
तो उस समय क्या होता है, अपने आप ही आपकी आँखों में से पानी निकलने शुरू होता है, ठीक है, लंबी लंबी आपको उबासी भी आती है। तो इस तरह से अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको देवी शक्ति मिल चुकी है, तभी आपको ये अनुभव होंगे। दूसरा अनुभव, जब भी आप किसी भी देवी के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं जाप करते समय, और बीच बीच में आपको ऐसे लगता है जैसे उल्टी आएगी, घबराहट सी होती है, ऐसे लगता है जैसे कि कोई हमारा को पकड़ रहा है या कोई हमें आवाज़ दे के बुला रहा है। इस तरीके से आपके साथ मंत्र जाप करते समय कभी भी ये चीज़ होने लगे तो समझ लो कि आपको देवी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। और ये जो भी मैंने संकेत और अनुभव आपको बताए हैं ये देवी शक्ति प्राप्त होने के ही हैं। अब जिन भक्तों को ये संकेत अनुभव हो रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जिनको अभी नहीं हो रहे हैं उनको आगे आने वाले समय में कभी भी हो सकते हैं। तो जब भी वो इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि उनको ये संकेत दिख रहे हैं और ये अनुभव उनके साथ हो रहे हैं तो देवी शक्ति प्राप्त होने के ही संकेत अनुभव होते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता रानी।